हम सभी के चहेते एक्टर देव जोशी, जिनकी मूवी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान कुछ टाइम पहले रिलीज हो चुकी है, यानी कि गुजरात में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जो कि गुजराती भाषा में है और इस मूवी को लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो हिंदी ऑडियंस है, जिन्हें गुजराती समझ में नहीं आती, वो भी इस मूवी को देखना चाहते हैं। एंड कुछ लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर भी, क्या भाई देव जोशी की ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी? तो ये वीडियो हम स्पेशली उनके लिए बना रहे हैं। बता दें, देव जोशी की इस मूवी का बजट इतना ज्यादा नहीं है कि इसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर ये मूवी कभी ओटीटी पर आती है तो शायद इसे हिंदी में डब करा के रिलीज किया जा सकता है, बट अभी इसकी हिंदी डब को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। वैसे यार, इस मूवी को हिंदी एंड गुजराती में अगर दोनों भाषाओं में रिलीज किया जाता तो यार इस मूवी को और भी ज्यादा फायदा हो सकता था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी में भी देव जोशी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि बंगाली, गुजराती, हिंदी एंड और भी कई भाषाओं में। मतलब कि दोस्तों, देव जोशी एक वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। तो यहाँ पर जो हिंदी ऑडियंस है वो इस मूवी को नहीं देख सकते, बिकॉज उन्हें गुजराती समझ में नहीं आती। वैसे गुजराती मुझे भी समझ में नहीं आती। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से देव जोशी की जितनी भी आने वाली फिल्में हैं उसे गुजराती के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाए, क्योंकि यार हिंदी ऑडियंस भी अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देखना चाहती है, तो यार उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बाकी इंतजार तो उस दिन का रहेगा जब हम सभी के फेवरेट एक्टर देव जोशी बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में हम सभी को नजर आएंगे। बाकी देव जोशी की जो नई फिल्म आई है, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण भगवान, इस मूवी की हिंदी डब को लेकर जब भी कोई भी खबर सामने आती है हम आपको जरूर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी हिंदी में आएगी या फिर नहीं आएगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में।